दोस्तों मेरे सामने एक डायबिटीज के पेशेंट हैं जिनके पाँव में जलन हो रहा, वो क्यों हो रहा, कैसे इलाज हो बताएंगे, उससे पहले उनकी तकलीफ सुनते हैं। तकलीफ बोलो, क्या तकलीफ सर? 2011 से इसका पैर में जो है, यह शुगर पेशेंट है, और 2011 से जो है इसका पैर में काफ़ी जलन रहता है, उसका पैर हाँ फोड़ा भी हो जा रहा है तलवा में, और उसके लिए जो हम लोग ने 2011 में रांची के जितने भी शुगर के डॉक्टर थे, बड़ी बड़ी जलन दिन को होता, रात को होता है? रात में ज़्यादा होता है सर। शुगर कब से इनको? शुगर तो करीब 20-25 साल हो गए जी। सुबह शाम में ज़्यादा दिन को रात को होता है? जैसे कि चूल्हा जल रहा है, अगर उस समय चल गए चाय बनाने के लिए तो ज़्यादा मन तेज आ जाता है, धूप ज़्यादा है, धूप में चल गए गर्मी में ज़्यादा होता है, और रात में सर जैसे वो बेड में जाती है ना, तो शरीर तो सुस्त हो जाता है, तो उस टाइम जो है इसका ज़्यादा होता है जी। जी देखो भाई, ऐसा है कि डायबिटीज के अंदर जब शुगर काफ़ी अनकंट्रोल होता है तो शुगर की जो नर्स होती हैं उसमें जो हमारी जो बड़ा खास बात होती है, हमारी जो नसें जो पाँव की नसें होती हैं पाँव से लेके ये उस पर असर शुरू हो जाता है। जब भी डायबिटीज का असर स्टार्ट होता है सबसे पहले हाथ पाँव में, तलवे में से पाँव में या नीचे जलन, चीटी चलना, हवा भी ठंडी बुरी लगना, सुन लगना, भारी लगना, अजीब लगना, दर्द होना, ये सिम्टम होते हैं। हाथ में हाथ कब से हो रहा है? ये कब से हो रहा है? जैसे तलवे में जलन हुआ ना, हाँ। नॉर्मली पहले पाँव में जलन होता है, हाथ में जलन कुछ साल बाद होता है। कुछ साल बाद हुआ, वही कह रहे हैं। तो देखो ये सब इलाज बड़ा साफ है, इसको ठीक करने के लिए देखो कोई बहुत बड़ी समस्या, नॉर्मली एक साल में ठीक हो जाता है। सबसे पहले शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे गोलीज कंट्रोल करो चाहे इंसुलिन कंट्रोल करो, खाली पेट 110 से कम, खाने को 150 से कम लाना पड़ेगा। साथ में कई गोलियां आती हैं, प्रीगाबलिन, गाबापेंटिन जो नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, फिर बेनफोटियामिन सॉल्ट आता है जो कि नर्व्स को रिपेयर करती हैं, पैनलिस्ट सॉल्ट भी नर्व्स को रिपेयर करती हैं, इसके बाद हमारा क्या नाम की कुछ अदर ड्रग्स आती हैं जो लाइक GLA होता है, आला होता है, ये सब नर्स को ठीक करती हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारा होता है नर्स स्टेबलाइजर होते हैं, एमीट्रिप्टिलिन, क्लोइंपरामिन, इम्यूपरामिन, ये सब भी नर्स को ठीक करते हैं। तो दवा से एकदम आराम नहीं मिलता तुम्हें? कोई आराम नहीं है सर, डेली जो है दिन भर अगर घर में रही तो रोते कई डॉक्टर दिखा चुके हैं। अच्छा, तो फिलहाल जो है सर उसके साथ सर को वेनला फ्लेक्सिन देंगे उनको हम, अभी तो फिलहाल जो है कुछ के यही सब दवाई चल रहा है, नस की दवा ना, नस का कोई दवाई तो देखो सुन, हम दवा लिखेंगे जी, 15 दिन आराम आएगा जी, एक साल जलन सब ठीक हो जाएगी जी। ठीक है जी। तो ऐसी ही इतनी बड़ी समस्या जैसे तुमने बना दिया, तुमने बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत बड़ा समस्या हमारे लिए हो गया है सर। सोचिए, वेलोर में एक महीना रहे, वहाँ क्या खर्च पड़ा।